स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में आपको 9 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक 2022 के लिए, ठीक है, 2021-22 के लिए जो चीज़ पढ़ना है, जो कुछ भी पढ़ना है, जो चीज़ नहीं पढ़ना है, सिलेबस थोड़ा सा कट हुआ है और नया सिलेबस आ गया है, तो ये पूरा सिलेबस आपको दिखाने का प्रयास करें। ऐसे 9 और 10 का सेपरेट वीडियो बना दिए हैं सिलेबस को लेकर के, तो यहाँ पे इसे सभी का दिखा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा, ठीक है। अब जिस भी क्लास में है 9 से लेकर के 12 तक, उसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे उसमें 1 से लेकर के 8 तक का पूरा बता देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो का क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा और मोबाइल को सीधा ही रखिएगा ना, इसे बता रहे, ताकि स्क्रीनशॉट लेने में आपको दिक्कत ना हो और एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ ले सकते हैं। जैसे हिंदी एक सब्जेक्ट का एक स्क्रीन में पूरा आ जाएगा, अगर आप ये 9 क्लास का है, 9 क्लास देखिए, हिंदी अगर लेना चाहे तो ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। थोड़ा सा समझा दे रहे हैं कि क्या है क्या ये, देखिए यहाँ पे जो पढ़ना है उसमें हाँ हाँ लिखा है, ठीक है, और जो नहीं पढ़ना उसमें नहीं लिखा है। यहाँ देखिए नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, और जो जो पढ़ना है उसमें हाँ हाँ लिखा हुआ है, जो नहीं पढ़ना उसमें नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 9 क्लास का हिंदी ए का हो गया ये पूरा, फिर ये हिंदी बी का ये देखिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट फटाक से, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, अगर ना दिख रहा हो साफ तो हाई क्वालिटी कर लीजिएगा तो दिखेगा बढ़िया। अंग्रेजी देखिए, अंग्रेजी यानी इंग्लिश का, ये रहा इंग्लिश का ले लीजिए फटाफट, बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी तो समझ आ ही रहा है, आ ही जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो बेकार में हम टाइम बर्बाद कहे करें, ठीक है। आपका भी टाइम कीमती है, मेरा भी टाइम कीमती है, इसलिए बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मकसद मेन है कि यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। नो नो किया उसको नहीं पढ़ना है, यस यस को पढ़ना है, तो इंग्लिश ले लीजिए। संस्कृत है तो संस्कृत लिए ले लीजिए, ये 9 क्लास है, ठीक है बाबू, ये संस्कृत हो गया। अच्छा संस्कृत का और थोड़ा सा यहाँ पे इसको भी ले लीजिए, हो गया। उर्दू में आते हैं तो ये उर्दू ले लीजिए, और थोड़ा सा उर्दू होगा, हाँ इसको ले लीजिए, तो कंप्लीट उर्दू हो जाएगा। ये गणित देखिए, मैथ का, मैथ ले लीजिए, मैथ यहाँ तक है, उसके बाद फिर यहाँ मैथ हो गया, उसके बाद नीचे भौतिकी विज्ञान, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का है यहीं पे, फिर रासायनिक विज्ञान ये जीव विज्ञान, ठीक है, डिलीटेड है इसमें लिखा हुआ, डिलीटेड वाला नहीं पढ़ना है, सेलेक्टेड वाला पढ़ना है, यहाँ नो लिखा ले उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर इतिहास, भूगोल, नागरिक इसको ले लीजिए, नागरिक शास्त्र, ठीक, इकोनॉमिक्स भी है इसको ले लीजिए, ठीक है। तो ये 9 क्लास का पूरा हो गया। अब आ जाइए 10 क्लास में, ये रहा 10 क्लास, 10 क्लास का भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये रहा हिंदी ए का, हिंदी ए का ले लीजिए फटाक से, हाँ ले लिए। आगे जाइए तो हिंदी बी, अगर आप 10 क्लास के हैं तो 10 क्लास का देखिए हिंदी बी, फिर इंग्लिश, इंग्लिश देख लीजिए, इंग्लिश ये रहा संस्कृत, ठीक है, उर्दू भी थोड़ा सा आ गया, उर्दू का ले लीजिए यहाँ थोड़ा सा, और सेकेंड पेज को यहाँ से ले लीजिए उर्दू का, ठीक है। उसके बाद गणित ले लीजिए, ये रहा गणित, मैथ है, हाँ मैथ देखिए कौन कौन नहीं पढ़ना है ये इधर लिखा हुआ है, ठीक है, कोई कोई कौन कौन एक्सरसाइज, कौन कौन टॉपिक नहीं पढ़ना वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए ऐसे मैथ को कंप्लीट पढ़ा दिए हैं, ठीक है, कंप्लीट मतलब पढ़ा रहे हैं, 14 चैप्टर अभी चल रहा है, एक भी नहीं छोड़ेंगे, क्या अभी समय है, एग्ज़ाम तैयारी करवाएंगे, उस समय जो जो पढ़ना है वहाँ से खाली तैयारी करवाएंगे। ये भौतिक विज्ञान का ले लीजिए, अच्छा 9th क्लास का है ना, 10th क्लास का नहीं, ये 10th क्लास का है, 9th का हम पढ़ा रहे हैं, 10th का आप थोड़ा बहुत पढ़ा रहे हैं, 10th का भी वीडियो आपको मिल जाएगा, 6 to 10 इस चैनल में मिलेगा, है ना, नहीं अगर हो तो थोड़ा सा बता दे रहे हैं, 6 to 10 मिलेगा मैथ और साइंस, और SST भी आप शुरू कर दिए, ठीक है, देख लीजिएगा पूरा देहाती मज़ा आ जाएगा। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र ये लीजिए, नागरिक शास्त्र लीजिए, इकोनॉमिक्स लीजिए, ये रहा 10th क्लास। अब देखिए 11th क्लास, 11 दिख रहा है, हाँ 11 का हिंदी कोर लीजिए, कोर का, ये कोर का हो गया, ये दूसरा पेज ले लीजिए, ऐच्छिक हिंदी, ऐच्छिक का, ये हिंदी बी और ऐच्छिक का थोड़ा सा बचल था उसको दोनों ले लीजिए यहाँ, ये हिंदी बी का पूरा पूरी ले लीजिए, हिंदी भी, अंग्रेज़ी का ये लीजिए, अंग्रेज़ी, इंग्लिश का,
फिर इंग्लिश इलेक्टिव का ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये संस्कृत का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। संस्कृत में यहाँ से और है थोड़ा, इसको ले लीजिए। फिर यहाँ आ जाइए गणित में, गणित का ले लीजिए। गणित पूरा अभी नहीं हुआ है, ये सेकेंड पे पार्ट, इसको ले लीजिए गणित का, ठीक है। फिर रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में देख लीजिए, केमिस्ट्री का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। फिर जीव विज्ञान का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए केमिस्ट्री में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, देख रहे हैं ये सब जो लिखल है इसमें से इतना इतना चीज़ को नहीं पढ़ना है। याद करा ले मैंने, चैप्टर पढ़ना है लेकिन उस चैप्टर में ये सब चीज़ को नहीं पढ़ना है, ठीक है। इधर जितना लिखा हुआ है और ये चैप्टर है नहीं पढ़ना है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पूरा पूरे। जीव विज्ञान में देखिए यासनो यासनो किया हुआ है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आ जाते हैं इतिहास में, इतिहास कर लीजिए स्क्रीनशॉट। ये इतिहास यहीं तक है, ठीक है, छोटा सा बस इतना ही है। फिर भूगोल देखिए, भूगोल ऊपर कर दे रहे हैं, भूगोल ले लीजिए, भूगोल हो जाएगा। तो अर्थशास्त्र ले लीजिए, राजनीतिक विज्ञान भी आ गया इसी में, चलिए राजनीतिक विज्ञान अलग से ले लीजिए एक बार। समाजशास्त्र ले लीजिए यहाँ, लेखा शास्त्र, इकोनॉमिक्स, वाणिज्य अंकगणित ले लीजिए, माने ये वाणिज्य मतलब क्या चीज़, कॉमर्स का है, ठीक है, लीजिए। ये हो गया इलेवन। ट्वेल्थ में आइए, ट्वेल्थ में आइए फटाफट स्क्रीन शॉट लेते चलिए। कोर हिंदी कोर का ये है, हिंदी ऐच्छिक का ये है, ये है हिंदी बी का, अंग्रेजी का है और हिंदी का ऊपर थोड़ा सा अंग्रेजी का, यहाँ शुरू से ले लीजिए अंग्रेजी पूरा आ गया। थोड़ा सा और बच गया टेक्स्ट बुक वाला, तो ये चलिए इंग्लिश इलेक्टिव का फिर से एक बार ले लीजिए, अब ख़त्म इंग्लिश पूरा। संस्कृत को कर देते हैं यहाँ, संस्कृत ले लीजिए, संस्कृत एक पेज में आ गया। गणित में आइए तो गणित ले लीजिए यहाँ तक, एक पेज में तो गणित आएगा नहीं, पाँचवा चैप्टर तक आया। छठा से ले लीजिए, फिर इधर नौवां तक आया, नौवां से फिर ले लीजिए दसवां चैप्टर से, तेरह चौदह तक आया कि क्या, तेरह तक ख़त्म हो गया। भौतिक विज्ञान ले लीजिए यहाँ से, दिख रहा है पूरा, हाँ भौतिक विज्ञान ले लीजिए। फिर रासायनिक विज्ञान ले लीजिए यहाँ से, केमिस्ट्री पूरा केमिस्ट्री नहीं हुआ है, अगला पेज केमिस्ट्री का ये रहा, और एक पेज केमिस्ट्री का दिख रहा है ये रहा, और एक पेज दिख रहा है केमिस्ट्री का ये रहा, और एक पेज है केमिस्ट्री का ये, वाह वाह केमिस्ट्री पूरा इतिहास लिख दिया है, और है ये फिर एमीन्स बायोमोलिक्यूल पॉलीमर ये भी ले लीजिए केमिस्ट्री है। तब जीव विज्ञान में, ये जीव विज्ञान में थोड़ा सा भी ख़त्म हो गया, हाँ नहीं खाली लिख दिया बस। इतिहास में देखिए इतिहास ये रहा, इतिहास ये रहा, भूगोल ये रहा, अर्थशास्त्र आए, फिर राजनीतिक विज्ञान दिख रहे हैं यहाँ ले लीजिए, समाजशास्त्र ले लीजिए, ले लीजिए स्क्रीन शॉट। फिर आ जाइए कॉमर्स में, तो ये रहा कॉमर्स का, ले लीजिए स्क्रीन शॉट। व्यवसायिक में, बिजनेस में तो ले लीजिए, बस इतने ही, ठीक। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये सिलेबस मिल गया आपको, लिंक भी दे देंगे इसका डिस्क्रिप्शन में, लेकिन पता नहीं लिंक भेजते हैं तो डाउनलोड सही से नहीं हो पाता है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, स्क्रीन शॉट करवा दे रहे हैं, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई क्लास लेकर के। आप यहाँ 6 to 10 तक का क्लास करना चाहते हैं और इसी तरह एग्ज़ाम का झारखंड संबंधित कुछ अपडेट लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।